लोगों की फरियाद सुनने वाले ही ठगे गए। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज जिले के तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज का है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर दरोगा से एक कर्मचारी ने 95,000 रुपये ठग लिए। मेडिकल कॉलेज में दरोगा की शिकायत वाले कर्मचारी को पुलिस ने पकड़ लिया। मैनपुरी के वेबर के शिवनगर कॉलोनी निवासी उप निरीक्षक भगवान दास लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है। उन्होंने बताया कि 21 मई को कोरोना से संक्रमित होने पर पत्नी मायाश्री को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो एक सफाई कर्मी व वार्ड बॉय से बात की। दोनों ने 15,000 प्रत्येक इंजेक्शन तय किए। इस पर 6 डोज के लिए 90,000 ले लिए। सोमवार को मायाश्री ठीक होने पर डिस्चार्ज की गई तो दोनों ने 10,000 और मांगे। उन्होंने 5,000 दे दिए। इसे कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए। कर्मचारी ने दरोगा के साथ अभद्रता कर दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार मिश्रा ने जांच की और एक कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर CMS दिलीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। ऐसे कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज से बाहर किया जाएगा। मामला सर यह हुआ था कि हमारी औरत को पॉजिटिव वो था, तो हमने 21 तारीख को यहाँ एडमिट कराया। हमारे घर भर बच्चों ने सामने जो एडमिट करा दिया तो दो लड़के थे, एक है कानो मैं नाम भूल रहा हूँ, दो लड़के आए कि इनको कराना का 6 डोज लगेगा। अगर आप मेडिकल से लाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, हम आपको 15,000 रुपये में लगा देंगे। मैंने उसको पैसे 50,000 रुपये दे दिए। अब जो 7वां इंजेक्शन लगना था, मेरे लड़के ने यह कहा था जो इंजेक्शन लगता है तो उसकी फ़ोटो मुझे खैर मोबाइल में डालना और जो डॉक्टर साहब लिखते हैं वो हमारे स्लिप हमें डालना। यानी कि ठीक है, 7वां इंजेक्शन परसों उसने बोला लड़के से तो इंजेक्शन लगा दिया। तो लड़के ने कहा भाई आपने हमको बताया क्यों नहीं, तो इनने मांगी 15,000 रुपये। इन्होंने लड़के ने कहा भाई हमारे पास है नहीं, पापा हमारे बाहर हैं, आ जाएंगे तो दे देंगे। कई बार फोन आया, आज फोन आया, रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल लड़के के मोबाइल। ये लड़के का यही काम करते हैं क्या, कुछ जानकारी मिली आपको? हाँ ही है, यही काम करते हैं। इनका गुट है, 5 लड़के हैं, ये 5-6 लड़के हैं, जैसा धंधा करते हैं ये। इंजेक्शन 15,000 रुपये का देते हैं? हाँ, तो इंजेक्शन जो है 15,000 रुपये का हमको, इसके उन्होंने 85,000 रुपये जमा कर दिए। अब 15,000 रुपये और मांग रहे थे। मरीज को कब भर्ती कराया था आपने? 21 तारीख में।